आज की जो आपकी क्लास है ये क्लास तीसरी रहने वाली है और ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास ट्वेल्थ का आप सभी का तीसरे लेसन का ही तीसरा पार्ट है जिसमें हम अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी के एक रोग के बारे में पेपर में आना 100% है। इससे पहले हम मोटापा यानी ओबिसिटी के बारे में बात कर चुके हैं, हम इसके बाद में शुगर यानी जो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह, उसके बारे में बात कर चुके हैं और अब ये तीसरी बीमारी जो आज की क्लास में डिस्कस होगी ये है अस्थमा। अस्थमा भी एक बहुत गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी इसलिए कह देते हैं क्योंकि कई बार लोगों की इसकी वजह से जान चली जाती है और ये अस्थमा अधिकतर हम देख रहे हैं कि शहरों में रहने वाले लोग या जो प्रदूषण का ज़्यादातर कार्य करते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी श्वास नली है, जो आपकी सांस लेने वाली जो नली है उससे संबंधित है ये। और ये इसमें क्या होता है, आपकी जो श्वास नली जिससे आप सांस लेते हो, आपको पता है आपकी जो खाने की नली है वो अलग होती है, रास नली, और श्वास नली जो होती है वो अलग होती है। जो आपकी श्वास नली है उसके अंदर क्या आ जाता है, सूजन आ जाती है, और सूजन कर देने की वजह से जिससे हमारा जो शरीर है काफ़ी संवेदनशील होता है और हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने यानी कोई भी चीज़ जब हमारी श्वास नली को प्रभावित करती है, मेनली जब हम सांस अंदर लेंगे तभी तो वो नली प्रभावित होगी या सांस छोड़ेंगे, तो ऐसे समय जब सांस लेते समय उस नली से कोई चीज़ स्पर्श करती है, टच होती है, चाहे वो हमारी गैसी जो ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी तीखा प्रतिक्रिया रक्ता लेनी है, उससे बहुत ज़्यादा गले में जलन जैसी होने लगती है। इस प्रतिक्रिया से जो है जो आपकी नलिका है, जो आपकी श्वास नलिका है वो संकुचन हो जाता है। संकुचन होने का मतलब है देखो, तो पहली बात तो श्वास नली नॉर्मल है लेकिन जब उसमें रैशेस हो जाएंगे तो वो थोड़ी स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, और सूजने के बाद में उसमें जगह कम बचती है और संकुचित हो जाती है, समझ रहे हो। श्वास नली जब फूल जाएगी तो वो सिकुड़ जाएगी थोड़ी सी, हालांकि तो फूल रही है लेकिन उसके अंदर जो गैस की जगह आने जाने वाली है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं कि ये आपकी श्वास नली थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ रैशेस हो गए जिसकी वजह से ये फूल जाती है, ये सब फूल गया, ऐसे इधर से भी ये सब फूल गया। अब देखो पहले हमारा इस हिसाब से नली के अंदर गैस या जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे थे वो जा रहा था, लेकिन अब जो है वो फूलने की वजह से कम हो गया है। इसकी वजह से हवा की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में कम हो जाती है और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार खांसी का जो है उसको दौरा आने लगता है, नहीं बार बार खांसी आने लगती है उसको, दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, सांस की रफ्तार बढ़ने लगती है, काफ़ी बेचैनी होने लगती है, सीने में जकड़न सी आने लगती है, थकावट महसूस होने लगती है, हाथ पैर जो हमारे पीठ कंधे जो है इन सब में दर्द होने लगता है। अधिकतर जब हम प्रदूषण में ज्यादा जैसे धूल धुआं वायु या प्रदूषण या फिर अनुवांशिकता, अनुवांशिकता मतलब होता है आपकी जेनेटिक, इसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आपके उत्पन्न होने के कारण पता चल गया। अब इसमें कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, आप इनमें कुछ ऐसे आसन को हाईलाइट कर लो जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे आपने इसमें उष्ट्रासन पढ़ रखा है, धनुरासन पढ़ रखा है, मत्स्यासन पढ़ रखा है, कपालभाति पहले पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, अनुलोम विलोम के बारे में पढ़ा है, आपका वक्रासन है इसके बारे में पढ़ा है, गोमुख आसन पढ़ रखा है। तो जो जो आपने नहीं पढ़े केवल उनके बारे में पढ़ लो, ये वाले आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे अस्थमा के बारे में नीचे बताया गया है कि भाई इसमें सबसे पहला क्या कर सकते हैं, हम ताड़ासन कर सकते हैं, तो ताड़ासन हमने वैसे पढ़ रखा है, ताड़ासन के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। ताड़ासन में आपको पता है अपने आप को ताड़ के वृक्ष की तरह आपको सीधा स्ट्रेट करना होता है और ऊपर की तरफ खींचना होता है, पेड़ पैर जो होता है आपके ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप ये चित्र को देखकर एक बार पहले पढ़ लो इसको, एक बार चित्र को देखकर समझ जाओगे कि इसमें हमारे जो पैर होते हैं दोनों पैर आपके मिले हुए होंगे आपस में। इसके बाद क्या करोगे, आप अपने हाथ को अपने स्ट्रेट सीधा ऊपर लेके जाएंगे कान के बराबर, दोनों हाथों को हथेलियों को मिलाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं, सांस भरते भरते हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैर की जो एड़ी है आपकी वो ऊपर हवा में रहेगी, आप पंजे के बल खड़े रहोगे और सांस छोड़ते छोड़ते फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, जिस व्यक्ति की जितनी कैपेबिलिटी है उतनी देर तक ये करता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है आप लोगों के लिए। अब ये नया आसन है जिसका नाम क्या है, उर्ध्व वायस्तोलासन, ये नाम है उर्ध्व वलास्तोआसन, ये नाम है भाई। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, पहला उर्ध्व मतलब ऊपर, अस्तो मतलब हाथ है
और आसन का मतलब है मुद्रा, यानी ऊपर की तरफ हाथ करने वाली मुद्रा। ये भी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत ताड़ासन की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है, पैर हमारे इसमें उठे नहीं है। दूसरी बात, पहले शरीर पूरा सीधा था, तो यहाँ पर हमारा ये जो कमर से ऊपर का हिस्सा, ये पीछे की तरफ थोड़ा बेंट होगा। हाथ पहले हम ऊपर दोनों जोड़कर खींच रहे थे, अब क्या दोनों हाथों को मिलाते हैं और ऊपर की तरफ हम खींचते हैं। तो ये इसका मेथड है, पहले सपाट जमीन पे खड़े हो जाओ भाई, आपको अपना पैर दोनों मिलाना है, इसके बाद में आपको सीधे खड़े होते हुए अपने हाथ जो है कान के बराबर ले जाकर आपको गर्दन जो आपका आपका सिर का जो भाग है उसको पीछे की तरफ ले जाना है, जिससे आपका कमर से जो ऊपर का भाग है ये पीछे की तरफ हो। आप अपने शब्दों में भी ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस लाइन को रट के ही जाओ आप पेपर के अंदर। ये इसकी विधि हो गई करने की। इसको करने से लाभ क्या होगा, लाभ आपको याद रखना है, लाभ हमेशा उस भाग पे होगा जोन सा भाग ही खींचेगा, ये याद रखना है इसमें हमको, क्योंकि श्वास क्या करनी है, श्वास धीमे धीमे लेनी है और धीमे धीमे श्वास छोड़नी है, क्योंकि तेजी से सांस लोगे तो, क्योंकि पहले से ही आपको श्वास की प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या मिलेगा, कमर आपकी पतली होगी और छाती जो होगी थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें बताया गया, इस आसन को करने से कमर और नितंब में जो अनावश्यक मांस जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कमर के पीछे जो है वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है कमर के ऊपर आपको वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इस आसन से शरीर की लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि शरीर ऊपर की तरफ खींचता है, कब्ज की समस्या कम हो जाती है और जो आपकी पसलियों का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। सावधानी क्या है कि खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। जो एक दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जैसे गर्भवती महिला है पेट खींच रहा है इसमें तो नहीं करना उसको, जिसको ज्यादा क्या नाम है रक्तचाप की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर जिसका हाई है उसको भी नहीं करना, ये पॉइंट सब में याद रखना है आप सभी को। या फिर जिस व्यक्ति को आप देखो कमर और गर्दन जो है वो खींच रहा है, जिसको कमर और गर्दन में ज्यादा दर्द हो जाता है उसको प्रॉब्लम है उसको नहीं करना, ऐसे व्यक्ति जिसका ऑपरेशन पेट का हुआ उस व्यक्ति को नहीं करना, ये पॉइंट देखो सब में आएंगे, सब में आंख बंद करके छोड़ सकते हो इन पॉइंटों को। अगला आपका उत्तनांद मंदुकासन, उत्तनांद मंदुकासन आपका है, इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो उत्तनांद इसका मतलब है तना हुआ और मंडूक का मतलब है मेढक की तरह, यानी अपने आप को कुछ आपको इस अवस्था में करना है जिसमें पैर जो होंगे आपके, पहले आपको वज्रासन में बैठना है, जैसे नमाज पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वज्रासन, उस अवस्था में बैठना है, उसके बाद पैर जो आपको अपने कुछ खोल लें, इसके बाद में आपका जो शरीर है आप अपने शरीर को पूरी तरीके से स्ट्रेट, यानी पीठ का जो आपकी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है ये वाला हिस्सा आपको उसको पूरा सीधा रखना है, आपके हाथ जो है वो कंधे से पीछे जाएंगे, पूरा हिस्सा स्ट्रेट रहेगा। अब इसमें खींच क्या रहा है आपको दिखेगा, ये हिस्सा खींच रहा है, ये जांघ के पास का हिस्सा खींच रहा है आपके लिए, ये वाला हिस्सा खींच रहा है। अब इसमें क्या करना है, श्वास धीरे धीरे पहले लेनी आपको और फिर धीरे धीरे छोड़नी है, जो हिस्सा खींचेगा उस हिस्से को लाभ मिलेगा ज्यादा। बाकी आप लोग पढ़ के इसके बारे में रहे हो तो आप पढ़ रहे हो अस्थमा के बारे में, तो अस्थमा के रोगियों के लिए लाभकारी होता है, आप ये भी लिख सकते हो। इसकी विधि आपने देख ली, लाभ क्या होगा, नियमित करने से आपका पीठ दर्द में आराम मिलेगा, क्योंकि देखो जो हिस्सा खींचेगा पीठ पूरी खींच रही है इसमें देखने से पता चल रहा है, तो पीठ दर्द में आराम होगा। जो आपका गले का दर्द है उसके लिए लाभकारी होगा, आपके घुटने जो होंगे मजबूत होंगे, जो हिस्सा खींचेगा वो मजबूत होगा, कंधे का दर्द जो होगा वो ठीक होगा आपका, और देर तक करने से पेट के बगल की जो चर्बी आपकी वो क्या होगी, कम होगी, और साथ ही साथ इसमें जो सांस की संबंधित यानी सांस की बीमारी है वो ठीक होगी। अब सावधानी क्या बरतनी है भाई, कोहनी या कंधे में दर्द की स्थिति में ये आपको नहीं करना, ज्यादा कमर में दर्द है घुटने में दर्द है तो भी आपको इसको नहीं करना। अगला भुजंग आसन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसको नहीं पढ़ेंगे, जो जो आसन हमने पढ़ रखे हैं, धनुरासन भी पढ़ रखा है हम इसको नहीं पढ़ेंगे, उष्टासन भी पढ़ रखा है हमने, आसन भी पढ़ रखा है, ये वाला भी कौन सा है, कपालभाति, ये भी पढ़ रखा है कपालभाति, आप सबको मैंने बताया था जब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मधुमेह के बारे में, तो इसमें पहले सिंपली बैठना है, इसका पेट जो है आपको पेट क्या करना है, सांस छोड़ते हुए अंदर लेना है और फिर धीरे धीरे रिलीज करना है, रिलीज करने का मतलब है फिर सांस भरते हुए पेट फुलाना है, फिर एकदम से अभी नहीं करना, और जब जिसको जुकाम हो वो ना करे। कपालभाति जो है पेट से संबंधित जो समस्या है, अब देखो इसमें क्योंकि पेट पे ज्यादा खिंचाव होता है तो आपको श्वास से संबंधित प्रॉब्लम जो होगी उसमें आपको राहत मिलती है। लाभ क्या क्या होगा, देखो डायबिटीज जिस व्यक्ति को है उसमें भी था, मोटापे में भी ये थोड़ा सा फायदेमंद रहता है,
जिसको कफ की समस्या है उसके लिए ठीक होता है, मन को शांति प्रदान करता है, शरीर को थोड़ा फुर्तीला बनाता है, जो पाचन प्रक्रिया मजबूत होती है, पेट की चर्बी को कम करता है ना भाई, ये बहुत सारे लाभ हो गए। इसके सावधानी क्या है कि बंद कमरे में गर्म वातावरण या धूल भरी जगहों पर कपालभाति ना करें, क्योंकि इससे हमें जल्दी जल्दी सांस लेना होता है और छोड़ना होता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहा गया है बंद कमरे में ना करें, या जहां पर धूल मिट्टी हो वो ना करें, क्योंकि धूल मिट्टी आपके नाकों में जा सकती है या आपके शरीर के अंदर भी जा सकता है। इसके अलावा पेट का जब ऑपरेशन हुआ उसके कुछ समय बाद नहीं करना, अगर आपको हृदय संबंधित रोग है नहीं, आपको हार्ट अटैक वगैरह आता है तो भी नहीं करना, रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या है तो भी नहीं करना, और अगर महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो भी इसको नहीं करना। गोमुख आसन इसके बारे में बात कर चुके हैं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये भी मत्स्य आसन है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगला आप सभी का, अगली बीमारी आप सभी की उच्च रक्तचाप, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये कैसी बीमारी है? तो ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व में प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी बॉडी के अंदर वो वृद्धि हो जाता है, परंतु अब नव युवक को भी इस समस्या से आजकल ग्रस्त हो रहे हैं। जैसे रीजन क्या है, उनका जीवन शैली जो है बहुत दोषपूर्ण हो गया है, जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। इस बीमारी में जो धमनी और जो शिराएं वो धीमी हो जाती है। देखो धमनी और शिराएं ये वो जगह है जो ब्लड से हमारे जो हृदय होता है, हृदय हृदय के अंदर एक धमनी होता है, एक शिरा, एक क्या करती है ब्लड को आने देती है और एक ब्लड को साफ करके निकालती है, और वहां से जब ब्लड ये पंप होता है ऐसे करके, जब भी हमारा हृदय जैसे आप हाथ की मुट्ठी बंद करते हो फिर एकदम से खोलते हो, तो ऐसे ही हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। हार्ट पंप जैसे होता है तो ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, उस पावर से वो शरीर के दूसरे भाग में जाता है और उसी से दूसरे जो आपके नसें हैं वहां से ब्लड जो होता है टिश्यू उनके सहारे द्वारा आता है, ब्रेन तक पहुंचता है, ब्लड को साफ भी करता है, ब्लड को क्या करता है, साफ भी करता है। तो जब हृदय का संकुचन होता है तो रक्त वाहिनी का रक्त को धक्का लगाती नहीं, जैसे ही हृदय संकुचित होना है, जैसे आप हाथ की मुट्ठी बंद कर रहे हो तो संकुचित हो गई, तो वाहिनिका में क्या लगता है, रक्त का धक्का लगता है, परिणाम स्वरूप जो रक्त का दबाव बढ़ जाता है, और फिर दबाव जैसे ही बढ़ेगा फिर एकदम से ही रिलीज होता है, और रिलीज होते के साथ ही कई बारी देखो इसमें बताया गया है जो उच्च रक्तचाप कब होगा, हृदय के दो धड़कनों के मध्य होने वाले जो अंतर की बात करेंगे तो इसमें बताया गया, जैसे एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य रूप से क्या होता है 120 से 80 के बीच में होता है, हीमोग्लोबिन के बीच में, HG का मतलब हीमोग्लोबिन है, और जैसे कोई जब व्यक्ति रक्त का दबाव उसमें बढ़ जाता है तो 140 तक पहुंच जाता है, और जो कि उसके लिए हानिकारक हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति का कितना रहता है, 120 से 80 तक रहता है, और जैसे ही बढ़ जाता है तो 140 के करीब हो जाता है, और ज्यादा रक्तचाप की होने की वजह से भी आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होने लगती है, हाथ दर्द, बदन दर्द, घबराहट होने लगती है। अब इसके लिए कई सारे रोग बताए गए, जैसे ताड़ासन है, अब दोबारा से ताड़ासन बढ़ाओ बताओ, नहीं पढ़ा रहे ना, इसीलिए इसको हम स्किप करेंगे अभी फिलहाल। कटी चक्रासन है, इसको भी पढ़ चुके हम तो इसको नहीं करेंगे। उत्तान पादासन जो है ये भी हमने पढ़ लिया है। अर्धहलासन इसको पढ़ना है हम सभी को। इसके अलावा एक ये भी पढ़ना है सरल मत्स्य आसन, गोमुख आसन पढ़ चुके हैं, उत्तांड मंडूक आसन ये भी पढ़ चुके हैं हम, अभी भी पढ़ा था हमने, वक्रासन ये पढ़ लिया है, भुजंगासन पढ़ लिया है, श्वासासन ये पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोगों को, और आपकी शीतली प्राणायाम और मकरासन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ताड़ासन तो पढ़ लिया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। कटी चक्रासन भी पढ़ लिया है, ये पढ़ना है भाई हमको। उत्तान पादासन, ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, एक तो है उत्तान, इसका मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, और पाद का अर्थ होता है आपका पांव, तो इसका क्या अर्थ है कि हमें क्या करना है, अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, और इस मुद्रा के अंदर पहले आपको आराम से जमीन पर लेट जाना है, और इसके बाद में आपको अपने पैर इस तरीके से ऊपर लेके जाना है कि ये लगभग 90 डिग्री बने, और इसको रोक के रखना है। अब आपको पता है, अब ऐसा रोक के रखोगे तो आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, दबाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, पेट पे दबाव पड़ेगा, आपके कमर के पीछे का जो हिस्सा है कुल्हे का, इस पे दबाव पड़ेगा, पैर जो है इस पे दबाव पड़ेगा, जांघ पे पड़ेगा, तो इससे संबंधित जो भी लाभ आपको मिल सकते हैं, जैसे पेट जो है वो सही रहेगा, कमर के नीचे जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होएगा, तो इसकी विधि आप लोगों ने देख लिया क्या क्या होगा। इस आसन में पेट की चर्बी कम होगी और पेट दर्द से थोड़ा राहत मिलेगा, पाचन संबंधित जो है वो
समस्या ठीक हो जाएगी, नाभिक को संतुलन करने में अधिक लाभ मिलता है और कब्ज की समस्या जो होती है दूर हो जाती है। सावधानी क्या है, कमर खींचेगा इसीलिए ज्यादा कमर में दर्द हो तो नहीं करना चाहिए, पेट का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो तो नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई आपको प्रॉब्लम है तब भी नहीं करना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट आपके सब में ही आएंगे। अब ये क्या है आपका अर्धहलासन, आप बोलोगे ये वाला और वो वाला तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, ये वाला और ये वाला। अब इसमें इसके हाथ देखो, हाथ इसमें नीचे की तरफ है और इसके हाथ देखो इसमें इसमें भी नीचे की तरफ है, सेम ही सेम। तो ये पिछले वाले आसन की तरह सेम है अर्धहलासन, और इसके लाभ वगैरह भी आप उसी तरीके से लिख देना। सरल मत्स्य आसन, देखो सरल मत्स्य आसन क्या है, नॉर्मल मत्स्य आसन में क्या करना होता है आपको वज्र मुद्रा में बैठना होता है, यानी आपके घुटने यहां से इधर मुड़े होते हैं। जब सरल आपका मत्स्य आसन हो गया तो इसमें ये घुटना आपका इधर नहीं मुड़ा है, आपका पैर पूरा सीधा है और अपने स्पंजों को आप आगे की तरफ खींच रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए भी ज्यादा अच्छा है जो अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, उच्च रक्तचाप जिनको हो रहा है क्योंकि इससे पूरा शरीर खींचता है, पूरा शरीर खींच रहा है इसमें, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो क्या होगा इसमें ठीक होगा। तो विधि क्या है, सबसे पहले आराम से लेट जाइए, इसके बाद में आपको अपना जो हाथ है वो कमर कुल्हे नितंब के आसपास रखना है, इसके बाद अपना जो गर्दन है इसको आगे की तरफ करना है, और सर जो है सर पे सर के दम पे आपको देखो यहाँ पर चपटा सा कुछ लग रहा है इसके दम पे रुकना है, पैर आपके आगे की तरफ खींचेंगे, पैर एकदम स्ट्रेट रखने सीधे रखने। अब इसमें भाग क्या क्या खींच रहे हैं, पैर खींच रहे हैं तो भाई पैर दर्द में राहत मिलेगा, आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, गर्दन की जिसको प्रॉब्लम हो वो व्यक्ति ना करे, ये सारी चीज आपको इसमें लिखनी होगी। लाभ क्या होगा, लाभ कंधे और दर्द की तकलीफ दूर हो सकती है, जिस जो मेरुदंड है आपका ये पूरा रीढ़ की हड्डी वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से प्रभावित होता है इससे, अगर कब्ज की समस्या देखे तो वो दूर होती है, रक्त संचार जो होता है वो अच्छा होता है, जो दिमागी कमजोरी होती है वो भी दूर होती है, और इससे आपकी श्वास से संबंधित जो प्रॉब्लम है क्योंकि श्वास में पड़ रहे हो तो वो ठीक होगा। कमर ज्यादा दर्द है तो नहीं करना चाहिए, कोहनी को मोड़ना अगर ज्यादा संभव ना उसके लिए तो भी नहीं करना चाहिए, याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा गर्भावस्था वाले को मना कर देना, आप ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर, और जिसका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ तो सब में ही लिख सकते हो वो याद रखना। इसीलिए गोमुख आसन ये पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये भी पढ़ चुके हैं आपका अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, भी पढ़ चुके हैं ये फर्स्ट वाली क्लास में मोटापे में हमने पढ़ा था इसको, भुजंग आसन भी पढ़ चुके हैं इसको भी नहीं पढ़ेंगे, मकरासन रह रहा है भाई ये नहीं पढ़ा हमने। तो मकरासन कैसा आसन है, आपको सीधा लेटना है, जैसे आप अधिकतर बिस्तर पे बैठकर मतलब बिस्तर पे लेटकर अधिकतर मोबाइल में मूवी देखते हो तो इसी आसन को ज्यादातर कर रहे होते हो आप लोग, है ना, तो तकिए के सहारे फोन रखकर या फिर बैठ के सिरहाना जो भी आप कहते हो उसके सहारे सीधा लेट जाओ, पैर इसमें याद रखना पैर जो आपके पूरे पंजे जो है वो बिल्कुल सीधे होंगे आपके, इस तरीके से हाथ के बल पर कोहनी के बल पर आपको क्या करना है रखना है, आपके पेट का जो ऊपर का भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा, आपकी थोड़ी जो है वो हाथों के बीच में रहती है, इससे क्या क्या खींच रहा है, पेट खींच रहा है तो कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपकी जो भुजाएं हैं ये मजबूत होगी, रीढ़ स्पाइनल खींचेगा इससे, पैर भी खींचेगा, कमर दर्द से राहत मिलेगी, देखो रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है, कमर दर्द से राहत मिलेगी, थकावट दूर होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं जो आपका अगर आप पचे तो पच सकता है, रक्त संचार के लिए लाभ होता है। देखो कमर दर्द होने पर नहीं करना है, और एक हार्निया की बीमारी हो तो भी नहीं करना, आप सभी को याद रखना है। शवासन अगला आसन आपका है शवासन, ये सबसे आसान आसन है और मेरा सबसे पसंदीदा आसन भी है, जिसमें आपको क्या करना है आराम से लेट जाना है, बिल्कुल एकदम से जैसे एक सब डेड बॉडी पड़ी रहती है वैसे अपने आपको शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना आप लोगों को, ठीक है भाई। तो इसमें जैसे बताया आपको एक समतल जमीन लेनी है, उस पर आराम से लेट जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और धीरे धीरे सांस लेनी है इसमें, और धीरे धीरे सांस छोड़नी है, जैसे आप सोते हो तो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हो आप और धीरे धीरे छोड़ते भी हो, ठीक है भाई। और इससे फायदा क्या होगा, देखो मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है, जब सोते हो तो तनाव दूर होता है, इसके अलावा अगर आप में अनिद्रा होती है या फिर मनोविकार होता है, मनोविकार मतलब मन में कोई विकार होता है तो वो भी ठीक होता है, एकाग्रता लगाने में यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो ठीक होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर में नई चेतना जगती है, मस्तिष्क का जो कार्य क्षमता वो बढ़ जाता है। सावधानी क्या है भाई, इसमें सावधानी है, ऐसे करें तो हर कोई शवासन कर सकता है, पर जो है वासन करने
मैं कोई हानि नहीं होती, परंतु डॉक्टर अपनी पीठ के बल लेटने, यानी पीठ के बल जब लेटते हम ऐसे लेटे हैं तो डॉक्टर थोड़ा मना भी करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे लेटते हैं ना नॉर्मल पट्टों के जैसे लेटा है तो खाना ज्यादा पचता नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कहाँ चला गया वासन, खाना ज्यादा पचता नहीं। हम ऐसे जैसे हाथ एक तरफ आपका होता है, एक आधे जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं करवट लेके हम जब सोते हैं तब उस तरीके से है ना, तो वो ठीक है। अगला नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये प्राणायाम तो हम पढ़ चुके हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम ये वाला हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है इसके बाद अगला है, ले भाई ये खतरनाक है, शीतली प्राणायाम। इसमें क्या भाई, जीभ देखो इसकी, जीभ कैसी बनी हुई है, गोल बना रखी है और बाहर निकाल रखी है। और आपको क्या करना है इसमें, सांस मुंह से छोड़नी है, लेनी नाक से लेकिन छोड़नी मुंह से, ठीक है। इसके अंदर